जय हिंद, सलाम, आदाब। आई है एक और सूचना, और ये सूचना अपडेट है, नया, ना कि कोई रिमाइंडर है। आप सभी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 20 और 21 की सेशन की कर ली थी पास, और आने वाला है उनके इंटरव्यू की डेट शीट, जो कि कल से होने वाले हैं आपके इंटरव्यू, कल से मतलब 12 फरवरी से। तो उससे पहले यानी कि 10 फरवरी को आया है एक नोटिफिकेशन, जिसके विषय में करनी है आपसे बातचीत। यदि आपने कर दिया इग्नोर और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, या आप यदि साथ लेकर नहीं जाएंगे तो आपको इंटरव्यू तो छोड़ दीजिए, डिपार्टमेंट में जाने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। तो कौन से डॉक्यूमेंट है, कैसे प्राप्त होंगे और क्या क्या मांगा गया है, सारी जानकारी इस बेहद छोटे से वीडियो में आपको दी जा रही है। और उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के उपरांत मन में डाउट, शंका, सवाल होंगे, आप कमेंट करके पूछ लेंगे विश्वविद्यालय से सबसे पहले, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट से, और यदि उसके बाद भी जवाब ना मिले तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका भी इंटरव्यू 12 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में होने वाला है, सभी के लिए ये नोटिफिकेशन है, ना कि किसी एक डिपार्टमेंट के लिए। चाहे आप जर्नल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ट्रांसजेंडर हैं, भारत के हैं या भारत के बाहर के रहने वाले हैं, ये नोटिफिकेशन सभी के लिए है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विश्व में कम हुआ है, हिंदुस्तान में भी कम हुआ है कोविड का प्रकोप, चाहे राजनीतिक रूप से कह लीजिए या फिर चुनाव के कारण कह लीजिए या मीडिया कवरेज का कम होना कह लीजिए, उस हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, अभी हमारा काम है केवल अध्ययन करना। तो बात यही है कि कोविड का सर्टिफिकेट आप निकलवा लीजिएगा प्रिंटआउट फॉर्म में, पहली बात। और यदि कोविड का डोज नहीं लगा है तो डोज लगवा लीजिएगा, चाहे पहला ही डोज क्यों ना हो, लगवा लीजिएगा, सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा, आपको साथ लेकर जाना होगा। और इसमें ये नहीं लिखा है कि आपके दोनों डोज लगे होने चाहिए, लेकिन इतना लिखा है कि कोविड का टीका आपके लगा होना चाहिए, पहला लगा हो तो पहले का सर्टिफिकेट, दूसरा भी लगा हो तो पहला दूसरा दोनों निकलवा लीजिएगा, ठीक है। एक निकलवाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, दोनों निकलवाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लगवाया नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट, हाँ, रिसर्च प्रपोजल आपको टाइप कर लेकर जाना है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया था, मैं छूट गया था, उसको इसी में इंक्लूड कर देते हैं। रिसर्च प्रपोजल जो भी आप बनाकर लेकर जाएंगे उसको हाथ से मत लिखिएगा, बल्कि हाथ के माध्यम से जो दी गई हैं उंगलियां उसको कीबोर्ड पर ले जाइएगा, टाइप करके लेकर जाइएगा, यानी कि टाइप किए हुए फॉर्मेट में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव, सिनॉप्सिस, जो भी उसको बोल लीजिए, अलग अलग नामों से जिसको पुकारते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, उसको निकलवा लीजिएगा बनाकर। और पीपीटी बनाना है या सिनॉप्सिस बनाना है या पावर पॉइंट बनाना है, इन सभी का फॉर्मेट क्या होगा पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप टाइप करेंगे मेरे चैनल पर स्टेप ऑफ द सिनॉप्सिस या स्टेप ऑफ द प्रपोजल तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे, और आप उसको देखिएगा, समझिएगा, और प्रपोजल बना लीजिएगा। दूसरी बात, आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भी विश्वविद्यालय ने जारी किया है, इशू किया है। यह आपको ईमेल पर नहीं मिलेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगा। जाइएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहां आपको यह डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, जहां रिजल्ट वाला कॉलम मिलेगा आपको, उसी वाले कॉलम में आपको यह अंडरटेकिंग का फॉर्म भी मिल जाएगा। और अगर मैं कहूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको यही मिलेगा नोटिफिकेशन वाले कॉलम में, जिसमें आपको कुछ चीजों को फिलअप करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको कोई बीमारी, कोई रोग है या नहीं, जैसे कि 4-5 इसमें नाम दिए गए हैं, उसको आपको पूरा टिक करना है, राइट करना है, याद रखिएगा। और इसके अलावा यदि कोई सिम्टम है आपकी बॉडी में तो उसको भी आपको बताना होगा, इसमें पूछा गया है, उसको लिख लीजिएगा। आपने कहीं ट्रैवल वगैरह किया है वो सब देख लीजिएगा, आपके साइन और आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें लगेगा, और किसी प्रकार का फोटो नहीं लगेगा, ठीक है। और इस अंडरटेकिंग वाले फॉर्म के साथ ही आपको अपना कोविड के सर्टिफिकेट को अटैच कर देना है, और दोनों को सेल्फ अटैच कर दीजिएगा, और जब वहां से आपसे पूछा जाए और मांगा जाए वहां उसको सबमिट कर दीजिएगा। और एक और बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिस भी डिपार्टमेंट में आपका साक्षात्कार होने वाला है, इंटू मीन्स इंटरव्यू होने वाला है, जो भी डॉक्यूमेंट आप वहां पे सबमिट करेंगे, बिना सेल्फ अटेस्ट किए हुए डॉक्यूमेंट को सबमिट मत कीजिएगा। मेरी राय भी है, सुझाव भी है, आदेश नहीं है, मेरा सुझाव है, आपको ठीक लगे तो अपनाइएगा, नहीं तो आप समझदार हैं। और ये अपडेट आया था, देख लीजिएगा, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल से होने वाले इंटरव्यू के लिए। और बस अपना 110% दीजिएगा इंटरव्यू में, 100% मत दीजिएगा। यदि 100% देंगे आप तो इंटरव्यू में के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जिन भी बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है सभी ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, और कुछ बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में भी हैं। तो अब आपका इंटरव्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो आपने लिखा है उसको आपको प्रेजेंट करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन तो बेहद अच्छा देते हैं, लिख नहीं पाते, घबराइएगा मत,
आपके हाइपोथीसिस है, रिसर्च क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, आपने कम शब्दों में लिखा है, तो इंटरव्यू में यही मौका है कि उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, अपना जो बूम है, जो बूस्ट है ना, बूस्ट, तो बूस्ट डोज, हाँ बूस्ट डोज यदि नहीं लगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोविड का डोज लगा होना चाहिए, ठीक है। अंडरटेकिंग का फॉर्म निकाल लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको वेबसाइट पे और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइएगा देख लीजिएगा। और पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल से होने वाले साक्षात्कार के लिए, और मिलता हूं आपसे पुनः किसी और सूचना के साथ जैसे ही कोई मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।